प्रधानमंत्री आवास एवं शौचालय ऐसे ही वंचित रहे। ग्रामीण एक तरफ तो सरकार गरीबों के सकारात्मक हित के लिए बड़ी बड़ी योजनाएं चलाने के बावजूद की नहीं मिल रहा ग्रामीणों को लाभ, लाभार्थियों ने लगाई न्याय के लिए गुहार। मामला है उत्तर प्रदेश के बहराइच जिला के थाना नानपारा विकासखंड बल्हा ग्राम पंचायत गुलरा बक्सैया का। गुलरा बक्सैया के निवासी जानकी प्रसाद ने बताया कि मेरा घर जंगल के किनारे है और मैं तीन भाई हूँ। तीनों भाई के बीच में 5 बीघा जमीन है। हमारे पिताजी काफी दिनों ऐसे ही बीमार है। मैं इस फूस के घर में रहने पर मजबूर हूँ और मैं बहुत ही गरीब हूँ। मेरा नाम आवास सूची में होने के बावजूद भी मुझे आवास नहीं दिया गया। जब मैंने ग्राम प्रधान जी ऐसे ही पूछा कि मुझे आवास कब मिलेगा, ग्राम प्रधान राधा देवी प्रधान प्रतिनिधि रामनरेश ने बताया कि आप आवास के पात्र नहीं, जबकि मैं फूस के मकान में रह रहा हूँ। आवास न मिलने का कारण पैसा है। जिन लोगों के पास 20 ऐसे ही 25 बीघे जमीन और ट्रैक्टर ट्राली होने के बाद आवास पात्र हो सकते हैं, तो मैं क्यों नहीं। जब मैंने इस विषय पर ग्राम विकास अधिकारी ऐसे ही बात किया तो ग्राम विकास अधिकारी ने बताया कि आपको आवास नहीं मिल सकता क्योंकि प्रधान द्वारा आपको अपात्र में डाल दिया गया है। एक बार मैं फिर ऐसे ही शासन व प्रशासन को अवगत कराना चाहूँगा कि सरकार की रिकॉर्ड के अनुसार जानकी प्रसाद के फूस के मकान होने के बाद भी क्या वे प्रधानमंत्री आवास के हकदार है या नहीं। अगर है तो शौचालय एवं प्रधान मंत्री आवास का लाभ क्यों नहीं मिला। प्रधानमंत्री आवास एवं शौचालय का लाभ जानकी प्रसाद को मिले यह सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी किन अधिकारियों व कर्मचारियों की है। माननीय श्री आदित्यनाथ योगी के शासना काल में अधिकारी व कर्मचारी मौन क्यों है। आगे की रिपोर्ट पुष्टि होने के बाद बहराइच जिब्राइल खान की रिपोर्ट। 4 साल से बीमार रहते हैं और जिनका नंबर था उनके बाद उनको आवास मिल गया और इनका नंबर भी पहले था उनको नहीं मिला। क्या कारण है कि उनको नहीं दिया गया। वो भाई 10,000 रुपये मिलते हैं सबको हर आवास। आपके पास कमीशन देने के लिए पैसे नहीं थे, इसके लिए आपको आवास नहीं दिया गया। और जिनको आवास दिया गया क्या वो पात्र में थे। अच्छा खासा मकान बना हुआ है, 10-20 बीघा जमीन भी जिनको मकान मिला। हमारे पास 5 बीघा जमीन है, उसमें 3 भाग में बटी हुई है, 2 भाई हैं। यानी आप गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले व्यक्ति हैं, आपको आवास नहीं दिया गया। नहीं मिला, इतना तक है कि राशन कार्ड भी हमारा गरीबी रेखा का भी नहीं। आप उन्हें प्रधान से इसके बारे में कहा। कहा तो लेकिन काम नहीं हुआ। क्या कहा प्रधान जी ने। कि हमारा आवास जिनसे बात का नाम था उनका आ गया और इनका पहला का नाम था वो नहीं आया। आपके परिवार में कुल टोटल कितने लोगों की संख्या है। हमारे परिवार में 2 भाई हैं, हम हमारे पिताजी हमारी अम्मा हैं, हमारे भाई को भी आवास नहीं मिला। आपके लिए रहने के लिए आपके रहने के लिए घर कौन सा। यही है घर, बस यही मात्र। हाँ जी, इसी में आप सभी लोग रहते हैं। सब लोग इसी में रहते हैं। जानवर कहाँ बांधते हैं आप। जानवर आपके पास कितने जानवर हैं। बस 3 है जानवर। कौन कौन से गाय है। गाय है, 2 बछिया। ठंडी के मौसम में आप क्या करते हैं। उसी में बांधते हैं।